Hello and welcome guys welcome back to the current affairs show based on the Hindu first of all a very very warm thank you to Antra ma'am for taking up the show when i was absent unka uh, and, show uh, and of course apology because late well when you are married and when your wife goes to your hometown and you are stuck in gurgaon that is what happens you basically uh, become late so i'll try to uh, come on time from tomorrow so thank you so much guys चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के पहले मोटिवेशनल uh, कोड पर जो कि ये रहा द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज़ डूइंग वॉट पीपल से यू कैन नॉट डू अगर आपसे कोई कहे कि तेरे बस का नहीं है अगर आपसे कोई कहे कि यू कैन नॉट बिकम अ बैंकर यू कैन नॉट बिकम एन आई एस ऑफिसर देन गाइज द अल्टीमेट जॉय इज़ टू प्रूव देम रॉन्ग तो कभी भी कोई भी आपसे कुछ भी कहे कि तू ये नहीं कर सकता है या तेरे बस का नहीं या आपके बस का नहीं सो ट्राई टू डू दैट थिंग एंड दैट विल गिव यू दम अट मोस्ट ऑफ हैपीनेस बिकॉज स्वीट रिवेंज इज़ सर्वड ऑलवेज कोल्ड कभी भी जो जवाब होना चाहिए वो आपके एक्शन से होना चाहिए ना कि आपके इस मुँह से इट शुड भी ऑलवेज थ्रू एक्शन एंड नॉट थ्रू वर्ड्स तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के फर्स्ट हेडलाइन पर जो कि ये रहा आपके सामने द पंजाब एंड द हरियाणा हाईकोर्ट हैव बार्ड स्टेटिंग ऑफ कास्ट इन प्रोसीडिंग्स एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चेंज आया है आ, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के सराउंडिंग्स में कि वहाँ जो भी कोर्ट्स हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का जो विक्टिम है या अक्यूज़ है या जो विसल ब्लोअर्स हैं जो भी लोग उस केस से संबंधित हैं उनके कास्ट का मेंशन नहीं किया जाएगा ऐसा फरमान यहाँ पर जारी किया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज़ इंस्ट्रक्टेड पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ नॉट टू मैंशन द कास्ट ऑफ द एक्यूज़ विक्टिम्स और विकनेसिस इन प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय जस्टिस राजीव शर्मा एंड कुलदीप सिंह उन्होंने इसको डिसीजन को लिया था उन्होंने कहा था कि हाँ कोई भी पुलिस चाहे हरियाणा की हो चाहे पंजाब की हो कोई पुलिस आपका मैंशन नहीं करेगी अबाउट द कास्ट ऑफ एनी ऑफ दी स्टेक होल्डर्स चाहे वो आपका कोई uh, चाहे वो आपका कोई कैसा भी Uh, आपका वो विक विक्टिम भी हो अक्यूज भी हो कोई भी होगा उसको यहाँ पर एक तरह से रखा एक तरह से उनके कास्ट को यहाँ पर रखा नहीं जाएगा तो ये खबर थी अब आइए एक बार देखते हैं पंजाब के बारे में बिकॉज़ uh, पंजाब को न्यूज़ में हमने यहाँ देखा है तो ऑब्स बात है पंजाब पर सवाल तो आपके तहे दिल से बन भी सकते हैं तो uh, ये टॉप टेन स्टार्टिंग जी के है पंजाब का द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ चंडीगढ़ द नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्स इन पंजाब इज़ ट्वेंटी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब इज वी पी सिंह बदनोरे जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेट डांस है भांगड़ा गिद्धा स्टेट एनिमल है ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें के पाटन झज्जर बचाउली एंड टखनी रहमानपुर डैम्स में रंजीत सागर इट्स अ वेरी फेमस डैम सीसवान एंड जयंती डैम रिवर्स में द थ्री रिवर्स दैट फॉर्म पंजाब सतलज रावी ब्यास और भी रिवर्स हैं पर ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं लेक्स में सुखना लेक ऑफ़ कोर्स वेरी फेमस हरिके एंड कंजीली एंड निकनेम्स में अमृतसर इज़ नोन एज सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल होली सिटी वाइल पटियाला गाइज इज़ नोन एज द रॉयल सिटी ऑफ पंजाब तो ये दो तीन ये दस आपके इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब क्लियर हो गया है? एक बार जरा वॉल्यूम को चेक कर लें एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सवाल बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल नॉट कास्ट इन इट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट एंड क्राइम द आंसर इज हरियाणा एंड पंजाब इन दो स्टेट्स में आपका ये नहीं होगा क्लियर होता जा रहा है प्लीज लिखते जाइएगा वन या फिर वन स्टार मैं देख रहा हूं सिर्फ सौ लाइक हैं और तीन लोग देख रहे हैं सो आई वॉन्ट एवरी वन टू लाइक द शो एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए येस yes. या फिर वन जल्दी से गाइस थोड़ा सा फोर्स होके थोड़ा सा एनर्जाइज होके यहाँ पर कमेंट करिएगा आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर दोस्तों इज इज एन एन एयर एयरलाइन ऑफ आइसलैंड वी ऑल नो अबाउट इंडिया की इंडिया में जेट एयरवेज uh, के जो फाउंडर uh, थे नरेश गोयल उनको हटा दिया गया एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर थिंग आउट कैसे हम उसको फिर से प्रॉफिटेबल करें सिमिलरली इन आइसलैंड वी हैड एयर कैरियर बाय द नेम वाओ Now, वाव wow Air carriers, all flights and all operations have been cancelled uh, from now. Uh, वो कोई भी तरीके का हवाई यात्रा इससे आपका नहीं होगा ऐसा वहाँ पर आया है uh, Recently there was an update कि जो Iceland की uh, एक rival uh, आपकी airlines का नाम है Iceland Air, उसको बेसिकली uh, कहा गया था कि आप अक्वायर कर लें पर वो अक्वायर नहीं हो पाया एंड वाव एयर जो है दैट विल नाव नॉट रन नॉट नाट फ्लाई फ्राम आइसलैंड uh, तो एक एयरलाइन uh, बंद हुई है फ्राम द वर्ल्ड ऑफ आइसलैंड अगर हम बात करें अबाउ uh, एयर की तो इट वॉज स्टार्टड इन टू थाउजेंड ट्वेल्व दो हज़ार बारह में दोस्तों आपका ये स्टार्ट हुआ था एंड अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ट्वेंटी एट मार्च ट्वेंटी नाइनटीन को इसने इसका लास्ट डे आपका यहाँ पर था uh, इसके जो हैडक्वाटर्स थे दे व इन रे बहुत ही अलग स्पेलिंग है रेक uh, जाविक इन आइसलैंड यहां पर इसके हेडक्वार्टर्स थे एंड स्कल मोगेनसन स्कल मोगेनसन वाज़ द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरवेज़ तो आइसलैंड का वाओ एयर जो है उसने ऑपरेशन जो है अपने बंद कर दिए हैं इट विल नाउ नॉट फ्लाई इन दी इन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड दैट हैज बीन ये कंपनी आपकी बंद हो गई है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको अगली खबर पर Uh, दोस्तों वी ऑल नो अबाउट अ सर्टन लोन प्राइजिंग दैट वॉज टू हैपन इन बैंक आपस जरा स्क्रीन पे आ जाए मैंने करीब पंद्रह दिन पहले फिफ्टीन डेज बैक आई हैड डिस्कस्ड अबाउट हाउ ऑल द लोन्स दैट अ बैंक प्रोवाइड्स विल बी बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल बेंच मार्क रेट इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन द इंटरनल बेंच मार्क रेट सो मूविंग ऑन दैट लाइन जो ये लोन स्कीम है जहां पर हम रेपो रेट से लिंक करेंगे बैंक के रेट को जहां पर या तो हम टेबल के रेट से लिंक करेंगे बैंक के इंटरेस्ट रेट को तो ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क का मैकेनिज्म है इस पर अभी टाइम लगेगा देख और ऐसी कंडीशंस भी है कि इसको हटा भी दिया जाए सो इन कमिंग डेज टू कम ऐसा कहा भी गया था कि बाय अप्रैल वन याफ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल वन ऑल दी बैंक्स हैव टू लिंक देयर इंटरेस्ट रेट्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट वो शायद अब नहीं हो पाएगा जो लोग जो लोगों ने अभी शुरू किया है मेरे शो को देखना मैं आपको बता दूं देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स वन एक्सटर्नल बेंचमार्क एंड सेकंड इंटरनल बेंचमार्क इंटरनल बेंचमार्क एग्जांपल्स आर बेस रेट विच इज द मिनिमम रेट बिलो विच अ बैंक विल नॉट लेंड एंड मी एंड एंड एम दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट बोथ दीज रेट्स आर डिसाइडेड बाई द बैंक इट सेल्फ

ऑल दीज रेट्स वर टू बी लिंक विद द एक्सटर्नल बेंच मार्क मतलब रेपो रेट से या फिर टीबिल के डिस्काउंट रेट से पर अब हो सकता है कि इसे कंप्लीटली पुट ऑफ कर दिया जाए दिस इज इंटरेस्टिंग The reason why it is interesting, guys, because SBI already repo rate से अपने savings accounts के rate को या अपने lending rate को link कर चुका है। So it is very interesting to know कि शायद ये जो आपका mechanism है, ये शायद आगे continue ना हो या फिर शुरू होने से पहले ही इसे खत्म कर दिया जाए। So it is a, it is a very interesting headline। एक बार जरा comment में देख लूँ। अगर आपको समझ में 50% भी, if you've understood at least 50%, please write yes sir या फिर one। Because this is very

द न्यू प्राइजेंट स्कीम बेस्ड ऑन एक्सटर्नल बेंच मार्क विल बी एप्लीकेबल फॉर फ्लोटिंग रेट लोन्स एक्सटेंडेड टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस मतलब ऐसे रेट ऐसे लोन्स जहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपका चेंज होता है सच लोन्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रेट लोन्स अगेन रिपीट गाइज ऑल दोज लोन्स वेयर इंटरेस्ट रेट चेंजेस दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रेट लोन्स तो उनमें आपका ये अप्लाई किया जाएगा सेंटर uh, ने कहा था कि फ्रॉम अप्रैल वन इसको अप्लाई किया जाए चार ऑप्शन दिए गए थे फॉर एग्जांपल यू कैन बे यू कैन टेक इट ऑन बैंक रेट ऑन रेपो रेट ऑन ऑन टीबिल डिस्काउंटेड कई सारे ऑप्शंस थे पर अब फाइनली uh, ये अभी आपका नहीं चलेगा इसमें और टाइम आपको यहां पर मिल जाएगा जैसे मैंने आपसे पहला कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसको अप्लाई किया हुआ है इट हैज लिंक्ड इट्स सेविंग्स बैंक रेट विद रेपो रेट विद इफेक्ट फ्रॉम मे वन एंड एट द करेंट रेपो रेट इज 6.25 पॉइंट टू परसेंट जो एस का रेट है उसे 3.5 पॉइंट परसेंट पे दोस्तों आपका फिक्स किया गया है क्लियर हो गया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा वन या फिर वन स्टार इसका हिंदी पर दिखा दूं मैं आपका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक अप्रैल से लागू होने वाले नए ऋण मूल्य निर्धारण शासन में बैंकों को प्रवास के लिए अधिक समय मिलेगा ये नई मूल्य निर्धारित योजना एक बाहरी बेंच पर आधारित है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन एन एक्सटर्नल जो कि जनरली आपका परसेंट आपका रेपो रेट रहने वाला है क्लियर हो गया प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वन जल्दी से मैं बहुत जिद्दी फैकल्टी uh, हूँ जल्दी से कमेंट कर देना वन ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको ये क्लियर हो गया है ओके संदीप पॉल का मेरे करंट मेरे शो से ही हैज़ क्लियर्ड पीसीएस प्रीलिम्स ऑफ एपीएससी संदीप इफ यू कैन राइट मी अ मेल सो दैट आई कैन शेयर इट विद माय स्टूडेंट्स विद माय फैकल्टीज तो प्लीज संदीप पॉल यू कैन इफ यू इफ यू कैन राइट मी अ मेल दैट विल बी ग्रेट बट कॉन्ग्रेचुलेशन्स की आपका जो प्रिलिम्स है वो ए का क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे दोस्तों एक आर्टिकल आया है रिगार्डिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिस आर्टिकल इज बेसिकली एन इंटरव्यू ऑफ ऑफ रतिन रॉय

देखो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं सो इट विल बी अ प्रोग्राम दैट विल दैट विल गारंटी अ बेसिक सम ऑफ मनी रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम रिगार्डलेस ऑफ योर कास्ट और योर स्टेटस एक ऐसी योजना बनेगी जिसमें एक मिनिमम गारंटीड इनकम को प्रोवाइड किया जाएगा साल के दौरान टू एवरी सो दैट इज बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूनिवर्सल मीन्स टू एवरी ठीक है सो इट विल बी प्रोवाइडेड अ मिनिमम गारंटीड इनकम विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी वन वेन दिस योजना इसका मेन एजेंडा है टू एक्चुअली रिड्यूस पॉवर्टी गरीबी को कम करना और साथ ही साथ जो एक समान एक समानता है इक्वलिटी है नागरिकों में उसको बढ़ाना सो दे आर टू रीजन्स ऑफ दिस बेसिक स्कीम नंबर वन टू एक्चुअली रिड्यूस पॉवर्टी एंड सेकेंड टू स्प्रेड इक्वालिटी अमंगजन ऑफ द कंट्री नौका ये जो आपका एक ये जो आपका एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम है जनरली ये अप्लाई करेगा उन लोगों पे जिनकी जो जो बेरोज़गार हैं या इनकी जिनकी कोई भी इनकम नहीं है उनको इसका पूरा बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा सो दैट इज़ बेसिकली आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो स्क्रीन पे एक बार दिखा दें यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज़ अ प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग ऑल सिटीजनस ऑफ अ कंट्री और अदर जियोग्राफिक एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ मनी रिगार्डलेस ऑफ द इनकम रिसोर्स और इनप स्टेटस द मेन आइडिया जिससे मैंने आपसे पहले कहा कि कैसे हम गरीबी को कम करें और कैसे हम जो इक्वालिटी है उसको नागरिकों में एक साथ बढ़ा के लाएं ये इसका एक मेन एजेंडा है बेसिकली uh, uh, ये एक तरह का सोशल सिक्योरिटी कवर है जिसमें जिनकी सैलरी ज़ीरो uh, है या जिनकी इनकम ज़ीरो है उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा यहां पर पहुंचाया जाएगा पाँच लोग देख रहे हैं और सिर्फ तीन तीन दो सौ लोगों ने लाइक किया है बड़ी नाइंसाफी है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से पाँच के लोग पाँच लाइक यहां पर हमें प्रोवाइड कर दें इसका हिंदी भी देखिए नीचे दिया हुआ है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्लियर हो गया आप सबको प्लीज कमेंट कर दीजिएगा वन बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू चाहे आप सी uh, डी की तैयारी कर रहे हो एस का यूपीएससी का दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विल डिस्कस इट लेटर इन डिटेल पर इस पे सवाल आपका बनता है क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे दोस्तों बीसीसीआई के अंदर वापस स्क्रीन पे आ सी बीसीसीआई के अंदर वाज एन अपॉइंटमेंट डन इन द इन द प्रीवियस वीक और इन इन द प्रीवियस मंथ दैट वाज रिगार्डिंग अ बीसीसीआई अम्बर्ट्समन हिंदी में कहते हैं बी लोकपाल अब भैया ये लोकपाल अम्बर्ट्समन होता क्या है अम्बर्ट्समन और अम्बुट्समन और अ लोकपाल इज अ थर्ड पर्सन हु विल लुक इन टू करप्शन केसेस ऑफ ए सर्टन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग लोकपाल है जिसमें कि एक बैंक का लोकपाल जो बैंक के मुद्दे है, जो हैं जो बैंक के कंसर्नस हैं कस्टमर्स के उनको देखेगा वेदर इट इज रिगार्डिंग फ्रॉड रिगार्डिंग बिहेवियर रिगार्डिंग देयर मैनरिज्म उसको देखेगा सिमिलरली बीसीआई में भी एक बी सी आई या बी सी आई लोकपाल दोस्तों बनाए गए थे एंड दैट सेम दैट सेम लोकपाल ऑफिसर विल हैज नाउ बीन अपॉइंटेड एज इट्स एथिक्स ऑफिसर मतलब जो एक स्पिरिट है जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है उसको अप्लाई करने वाला उसके ऊपर नजर रखने वाला टू एक्चुअली बी सुपरवाइजर ऑफ द एथिक्स एंड ऑफ एंड द कोड ऑफ कंडक्ट इन बी सी आई एक एक व्यक्ति को बनाया गया है तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें uh, इनका नाम है जस्टिस डी के जैन रिटायर्ड एंड ही वॉज वर्किंग विद अ बैंकिंग बुट्समन ही विल नाउ ऑल्सो वर्क एज एन एथिक्स ऑफिसर इसकी जानकारी दी बाय द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने इसकी जानकारी दी कि ये जो आपके डॉक्टर जो जस्टिस डी के जैन साहब हैं ही इज नॉट ओनली द बैंकिंग लोकपाल बट ही इज ऑल्सो ऑफिसर ऑफ द बी सी इसके एथिक्स ऑफिसर भी यहां पर दोस्तों जो हैं वो बनाए गए हैं तो ये नाम आप लोग यहां पर याद रखिए जब वापस स्क्रीन पर आ जाए तो सवाल एक ही बनेगा यहां पर दैट हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द चीफ एथिक्स ऑफिसर द बैंकिंग और द बी सी आई BCI ऑफ answer is justice D D K जैन उनको ये जिम्मा यहां पर दिया गया है दो लोगों ने डिसलाइक किया है कोई दिक्कत नहीं भाई कभी कभी काला टीका लगाना जरूरी होता है अच्छे काम पे तो इट्स गुड दैट टू पीपल हैव disliked ठीक है क्लियर होता जा रहा है प्लीज भैया कमेंट करते जाना वन या फिर वन स्टार चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आई लव डांसिंग आई एम बिग सकर इन टर्म्स ऑफ डांस एंड एवरीथिंग एल्स I have, I have left dancing since the past, I guess, uh, five or six years, but I'm an avid fan of, uh, of really good dance and good dance routines. So, for me, and also for the millions of people who actually love dancing, break dance.

ह्यूज प्रॉबिलिटी दैट इट माइट बी अ पार्ट ऑफ द 2024 ट्वेंटी फोर ओलंपिक्स एंड इसके अलावा जो अलग अलग आपके डांस फॉर्म्स हैं अलग अलग जो आपके स्पोर्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबिंग स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग इनको भी इसमें एडअप किया गया है के कब के ओलंपिक्स में द 2024 ट्वेंटी फोर तो सवाल बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डांस रूटीन्स हैज माइट बी इंक्लूडेड इन द 2024 ट्वेंटी फोर ओलंपिक द आंसर इज ब्रेक डांस अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव क्लाइंबिंग स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग क्लियर हो गया ये खबर पेज नंबर 18 पे थी क्लियर हो गया प्लीज कमेंट जल्दी से करीब 600 लोग शो को देख रहे हैं तो सबके सब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रहा है चलो तो आगे बढ़ते हैं हैं ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर एंड दुम टेनिस प्लेयर्स फाइटिंग फॉर द कंट्री टू विन दॉपमैन कप Recently, it was won by Switzerland. Abhi on the screen pe. Switzerland's Roger Federer and Belinda Bencic. They won together the Hoffman Cup, which was a mixed team event. But now, after 31 years of its existence, Hopman Cup jo hai, it will be replaced by the ATP World Team Cup because jo jagah where Hopman Cup took place, that is Perth, has been chosen the fourth city to host the ATP Team World Cup. Me English me, Hindi mein. The unique mixed teams Hopman Cup in Perth has been axed after 31 years and replaced by the ATP World Team Cup. ऑफिशल है अपार्ट फ्रॉम दिस सिटी सिडनी एंड ब्रिस्बिन जो है वो भी इसका हिस्सा थी एंड सो माफ करना तीन सिटीज हैं चार शहर नहीं हैं तो द थर्ड सिटी दैट बिन इंक्लूडेड इन द ए ए टी पी टीम वर्ल्ड कप इज पर्थ सो तीन शहरों में आपका वर्ल्ड कप होगा एक वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस सिडनी ब्रिस्बिन एंड पर्थ इन तीन जगह पर आपका जिस वजह से आपका जो हॉपमैन कप है उसे अब बंद कर दिया गया है इट विल नॉट टेक प्लेस फ्रॉम दिस वेरी ईयर क्लियर प्लीज कमेंट कर देना वन

It is named after Harry Hopman, who was an Australian tennis player and coach. Uh, it consisted of eight mixed teams and a uh, recent champion, Suzerain Iska. Tha. Clear? Okay, next. Israel unveils the world's longest salt cave. Israel researchers have said that they have discovered the world's longest salt cave. which is near the desert site where according to the Bible Lot's wife was turned into a pillar of salt basically biblical reference है यहाँ पर जो कि हमें नहीं याद रखना है पर हाँ according to Bible कहा गया था कि यहाँ पर जो एक एक character है Bible का Lot's उनकी wife को एक pillar of salt में दोस्तों convert किया गया था it is basically a 10 km long underground passage uh, and it is near it is in Mount Sodom ऑफ इसराइल एंड वहाँ पर ये जो है आपका दुनिया का सबसे लंबा सॉल्ट केव जो है उसको खोज निकाला है बाय द इसराइली गवर्नमेंट तो यहाँ पर सवाल एक ही बनेगा दोस्तों आपका एंड दैट क्वेश्चन विल बी दैट इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव बी डिस्कवर्ड द आंसर विल बी इसराइल चल वापस स्क्रीन पर आ जाए दोस्तों इसराइल जो है इसराइल जराइल जो है इसराइल इंपॉर्टेंट है द रीजन वाई बिकॉज पिछले कुछ समय से न्यूज में है जैसे कि रिसेंटली प्रेसिडेंट एस प्रेजिडेंट कि गोल्डन हाइट्स विच इज विच इज इज बेसिकली विच इज बेसिकली क्या कहते हैं उसको कॉन्ट्रोवर्शियल और अ कंटेंशियस टेरेटरी बिटवीन सीरिया एंड एंड इसराइल उसको यू uh, एस uh, ने कहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इसराइल नॉट अ पार्ट ऑफ सीरिया सिमिलरली इट हैज़ ऑल्सो सेट कि वो जो उसके जो uh, उसके जो एम्बेसी है दैट विल भी शिफ्टूसलम तो यू एस एज ट्राइंग रियली हार्ड to actually make consensus for Israel as a peaceful and a very great state. तो उसको लेकर भी इसराइल आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अब दोस्तों इसमें में देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जो कि कंटेंशियस है बिटवीन इसराइल एंड सीरिया सिमिलरली एक एरिया है आपका वेस्ट बैंक वो भी एरिया आपका कॉन्ट्रोवर्शियल है बिटवीन पैलेस्टीन एंड इसराइल तो ये ये एरियाज़ आपको यहाँ पर uh, देख लेने हैं सिमिलरली रामला जो है विच इज़ बेसिकली ना वन द पार्ट ऑफ पेलस्टीन ये एक इंपॉर्टेंट गर्ड है पैलेस्टीन के लिए पर अभी भी इनको लेकर झगड़े चल रहे हैं बिटवीन बिटवीन इसराइल एंड पेलस्टीन सो देर आर वेरियस इशूज़ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर हो गया चलो uh, एक सवाल मेरा आपसे है वट इज़ द करेंसी ऑफ इसराइल एंड वट इज़ द लैंगेज ऑफ इसराइल देखिए भाषा तो हिब्रू है एंड करेंसी uh, क्या है इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा ठीक है कैपिटल इसराइल वैसे तो जेरूसलम है बिल्कुल सही कह रहे हैं पर वाइडली एक्सेप्टेड जो फिनमिना है दैट इज वो वाइडली एक्सेप्टेड है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पर हाँ जेरूसलम को कई कंट्रीज ने अपना एक पार्ट माना है यहाँ तक क्लियर हो गया प्लीज कमेंट कर देना भैया वन 500 सौ लाइक होने देखिए साढ़े छः लोग देख रहे हैं आई वॉन्ट एवरी वन टू लाइक द सेशन जल्दी से लाइक करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द फिनेस मिनिस्टर आर्टिकल 35 ए is constitutionally vulnerable and discriminatory. Now guys, this headline will come in SBI PO mains, in UPSC, uh, in in state exams and also in RBI Grade B or CB grade. देखिए, uh, thoda sa time में aapka lunga This show might help you cracking the big papers or the small papers. तो कोशिश कीजिए show को लगातार देखें, because uh, कोशिश हमारी यही है कि level चाहे low हो चाहे high हो सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाए. तो जेटी साहब ने कहा है कि आर्टिकल थर्टी फाइव ए जो है भैया ये गलत है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वनरेबल है डिस्क्रिमिनेटरी है एक तरह से डिवाइड करता है इंडिया को इसको हटा दिया जाए तो आइए बात करते हैं ये जो आपका आर्टिकल थर्टी फाइव देखिए मेरी इस बात पे जो मेरे कॉम्पिटिटर्स चैनल्स हैं उन्होंने डिसलाइक कर दिए हैं अच्छी बात है चलो कोई दिक्कत नहीं आर्टिकल थर्टी फाइव ए जो है इट इज़ अ प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर द पावर टू डिसाइड हु ऑल आर आल कोर्ट permanent residents ऑफ़ द स्टेट एंड confer ऑन them स्पेशल राइट्स एंड privileges इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ तो एक तरह से ये जो आपका आर्टिकल थर्टी फाइव है ये एक तरह से पावर देता है संविधान के तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली को कि वो उन लोगों को चिन्हित करें जो उसके प्रदेश के परमानेंट सिटीजन् और उन्हें वो प्रायोरिटी देता है उन्हें प्रिवलेज देता है इन वेरियस थिंग्स

बाइन ऑर्डर ऑफ द देन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद उनकी उनके ही ऑर्डर पे किया गया था उनको एडवाइस किया था जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने उसके बाद ही ऑर्डर किया गया दिस दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वॉज इशूड अंडर आर्टिकल थ्री सेवेंटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अगर कोई जम्मू कश्मीर में नॉन परमानेंट है तो उसको वहाँ का सेकेंड क्लास सिटीजन माना जाता है उसको वहाँ का परमानेंट सिटीजन आपका माना नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज बेसिकली एट ऑफ द इंडियन का ये एक तरह से आपका वायोलेशन है तो ओवरऑल मैं आपको बात करूँ तो 35 ए के बारे में इन्होंने मेंशन कहा है इस पर आपका कंफर्म्ड uh, really कि या तो इस पर आपका सवाल बनेगा एक ऐसे टाइप में आर में या फिर इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं क्लियर हो गया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा वन या फिर वन स्टार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ताकि uh, ओके स्टडी फास्ट भैया मैं डेली ही करता हूँ अगर मैं नहीं करता हूँ तो अंतरा मैम करती हैं कोई ना कोई करता है आप बस शो देखते रहिए ये मत कहिए डेली नहीं होता अगर एक दिन छुट्टी हो जाती है उतना तो बख्श दो बट इट टेक प्लेस डेली चलिए आगे बढ़ते हैं इसका हिंदी भी देख सकते हैं स्क्रीन पर सर वापस स्क्रीन पर एक बार आ जाए लेट्स कम बैक टू स्क्रीन ओके नेक्स्ट पे आते हैं गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इन्फ्यूज़ अराउंड फाइव थाउजेंड करोड़ इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है बिकॉज इट इज मर्जिंग विद विजया बैंक एंड देना बैंक और वो एक बड़ा बैंक बनने वाला है तो इसके टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एंटायर थिंग जो सरकार है वो पाँच हजार बयालीस करोड़ इट विल इन्वेस्ट फाइव थाउजेंड फॉर टू करोड़ इन बैंक ऑफ बड़ौदा विच विल इंक्लूड विच विल इंक्लूड विजया बैंक एंड ऑल्सो देना बैंक इट सेल्फ उनको यहाँ पर इंक्लूड आपका करने वाला है अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा गाइस वन ंड वो इस्टाब्लिश्ड इन 1908 1908 में दोस्तों आपका इस्टेब्लिश हुआ था एंड बेसिकली uh, uh, इसके जो हेडक्वाटर इसके जो अभी एम डी हैं उनका नाम है पी एस जय कुमार ये इसके एम डी हैं सिमिलरली इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं फॉर्मर फिनेंस सेक्रेटरी हसमुख अधिया एंड uh, uh, इसके हेडक्वाटर्स बेसिकली आपके अभी फ़िलहाल तो बड़ोडा में हैं जो इसके हेड क्वार्टर्स हैं वो आपके मुंबई में पर आप ब्रोडा याद रखो बिकॉज वो सब जगह लिखा हुआ है सो so, ये दो तीन चीज यहां पर आप याद कर सकते हैं इसका जो, है, of, uh, itself, जो कि अब इंडिया का बहुत ही बड़ा बैंक बनने वाला है ठीक है चलो वापस स्क्रीन पे आज सेकेंड ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले चलते नेक्स्ट पे Uh, मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं उनका नाम है दिलजीत दुसांज ही इज़ अ फेमस पंजाबी सिंगर ही इज़ अ फेमस एक्टर इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन उनकी उनकी एक मोम की प्रतिमा दोस्तों लगाई गई है एट दिल्लीज इज़ मिडाम म्यूजियम

Uh, उनकी ही एक मूर्ति प्रतिमा लगाई गई है एट द मैडम टू सॉट्स म्यूजियम तो सवाल बनेगा कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस सिंगर एंड एक्टर्स वैक्स स्टैचू हैज़ बीन अनवेल्ड एट डेलीज मैडाम टू सॉट्स म्यूजियम द आंसर इज दिलजीत दोसांज वो उनकी प्रतिमा लगाई गई है क्लियर सिंपल है ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं यस्टरडे गाइज यस्टरडे क्या मार्च ट्वेंटी सेवन वॉज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड थिएटर डे टू बेसिकली स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थिएटर डे इज इनिशियड बाईन को सेलिब्रेट किया गया आपका वर्ल्ड थियेटर डे अगर हम बात करें इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट ऑफ एंड एंडस्टेड बाईनेस्को तो ये एक ही दिन आपको यहाँ पर याद रखना है दैट इज़ वर्ल्ड थिएटर डे कब होता है दैट इज ऑन मार्च ट्वेंटी सेवन हाँ बिल्कुल सही गोविंद मिश्रा पांच तारा भी इनका अच्छा गाना है पंच तारा बिल्कुल सही है तो आगे बढ़ो भाई हो गया गाना सुन लेना बाद में तो वर्ल्ड थिएटर डे जो है दैट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मार्च ट्वेंटी सेवन क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं सिंपल खबर है इस तो पर सवाल एक ही बनेगा किस दिन पड़ता है भैया तो आंसर है ट्वेंटी सेवेंथ मार्च नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरबीआईन एंड प्रोफिट शेयरिंग अब ये न्यूज में है इट इज ए न्यूज अब क्यों है पहले यह जान लो एंड बताएंगे होता क्या इंडिया एंड द यूएस इंटर गवर्नमेंटन अग्रीमेंट For sharing of country by country report, for example, uh, there is a company called as Apple. Now Apple works in India, it also works in US. Similarly, we have uh, uh, Tata Steel uh, Tata Steel. It works in India, it also works in. US. There will be a financial report of that company in India. एंड दे विल बी अ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ दैट कंपनी इन यू एस सिंपल सी बात है कि अगर एक एक कंपनी कई देशों में काम कर रही है तो हर देशों में उसकी अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगी

पार्ट ऑफ देशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट इंडिया इसका पार्ट है इस वजह से ही दोस्तों इसको आपका तो हो पाया अगर हम बात करें व्हाट इज बीपीएस तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म एग्जाम में आता है और अगर आपकी किस्मत खराब रही तो आपका सवाल आता है रिगार्डिंग दी डेफिनेशन बेसिकली इट इज़ अ टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज बाय एक्सप्लोइिंग गैप्स एंड मिसमैचेस इन टैक्स रूल्स टू आर्टिफिशियली शिफ्ट प्रॉफिट्स टू लो और नो टैक्स लोकेशन बेसिकली एक ऐसी एक ऐसी स्ट्रैटी है जहां पर टैक्स की चोरी को या टैक्स से बचने को रोका जाए फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि जो कंपनीज होती हैं वो उनके वो टैक्स रूल्स का फायदा उठाकर जो अपने प्रॉफिट हैं उसे ऐसी जगह

क्लियर हो गया आपको ये अगर क्लियर हो गया प्लीज कमेंट कर दीजिए वन नाइनटी वन जॉब नॉलेज क्या बकवास है हां भाई आपके लिए बकवास होगी अगर आप फेक नाम से आते हो तो आपके लिए कन्फर्म बकवास होगी तो एक बार जरा नाइनटी वन जॉब के लिए सब लोग लिख दीजिए क्या बकवास है बिकॉज उनका फेवरेट वर्ड है यह तो प्लीज फॉर हिम एवरी वन राइट क्या बकवास है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर क्लियर हो गया चलो बढ़िया आरबीआई सेट टू इशू गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटरी सैंड बॉक्स फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म विद इन टू मंथस ये खबर जो है इट विल ओनली कम इन यू पी एस सी और स्टेट लेवल एग्जाम्स ये आपका बाकी जगह पर नहीं आएगा बिकॉज बहुत ही हाई टेक खबर है सो दोस्तों एक वर्ड आता है दैट इज रेगुलेटरी सैंड बॉक्स न वॉट इज दिस बेसिकलीट इज दैट इज अ प्रोविजन दैट इज बेसिकली इन अप्रोच दैट इज अलाउड बाय द रेगुलेटर

क्या बात है सब लोग लिख रहे हैं अच्छी बात है ओके सो सैंडबॉक्स बेसिकली जो आपका है ओके सैंडबॉक्स बेसिकली आपका जो है बेसिकली सैंडबॉक्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल सो देर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ़ टेस्ट केसेज जिनको कि जिनपे पर कि टेस्ट किया जाएगा जब वो टेस्ट केस आपका हो जाएगा सक्सेसफुल फिर जाके उसको हम बाकी जगह पर टेस्ट करेंगे तो वो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंशन दोस्तों यहाँ पर किया गया है तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दूँ आर बी आई हैज सेट इशू गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटरी सैंड बॉक्स फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जिससे कि ये एक टेस्टिंग का पार्ट यहाँ पर आपका शुरू किया जा सके जब वापस स्क्रीन पर आते हैं सो गाइज विद दिस With, with this we'll uh, with this uh, we'll come to an end to our discussion guys. आपका आने के लिए शुक्रिया. And I'm trying to start the insurance classes and also the five m classes. अब मैं वापस आऊं completely. तो मैं उसको start कर सकता हूं. And I'll start it as soon as possible ताकि आपका exam से पहले insurance cover हो जाए. And जो five m classes हैं आपके of current of uh, MCQ उसको भी यहां पर शुरू कर पाए. But एक request है आपसे दोस्तों. Please uh, share the video as to as many people as possible. Uh, सुबह चार बजे उठ के देखता हूँ सासू बच्चे आते कोई दिक्कत नहीं पर अगर ये शो में और ज़्यादा व्यूअरशिप आए तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा सो प्लीज़ गाइज शेयर इट टू मैक्सिमम पीपल पॉसिबल लाइक करें वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल गाइज थैंक यू सो मच आपका आने के लिए आज रात में संदीप सर आपकी संदीप सर की क्लास आने वाली है तो वो क्लास बिल्कुल आप देख लीजिएगा वो क्लास आपकी आज और कल आज से उसका प्रोमो शुरू हो जाएगा एंड कल क्लास आपकी हो जाएगी तो so, उसको देख लीजिएगा एंड प्लीज़ गाइज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो ऑन डेली बेसिस सो बाय गाइज टेक केयर इसका पी में आपको तुरंत डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा सो बाय गाइज टेक केयर एंड पीस आउट